आप लोग जो परेशान होते हैं, जिनकी चेहरे पे मुलाजमा हो गई हैं, छाइयां हो गई हैं, और वो बहुत परेशान है क्योंकि आपको पता है छाइयां बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि आपका फेस पे ना बिल्कुल ऐसे यहाँ पे पैचेस बन जाते हैं, किसी के लिप पे बन जाते हैं, किसी पे नोज पे हो जाती हैं। और ये छाइयां क्यों होती हैं? क्योंकि हम तो एक ग्रीन सब्जियां बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, हम फास्ट फूड की तरफ चले गए हैं, तो उसके साथ ना हमारी हम ऑयल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से भी हो जाती हैं। आपने ग्रीन सब्जियां तो जरूर लेनी है, उसके अलावा जूस पीना है, छाइयां हमारी प्रेगनेंसी में भी हो जाती हैं, और उसके अलावा हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं उसकी वजह से भी हो जाती हैं, और उसके अलावा आपको खून की कमी होती है तो उसके साथ भी हो जाती है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ हमारी छाइयाँ होती हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी क्रीम यूज़ करते हैं तो उसके साथ भी हो जाती हैं। तो अच्छा जी, आपने अभी हम चलेंगे टिप की तरफ, और उसके अलावा जिस तरह मैं बताऊंगी अगर आप उस तरह करेंगे तो आपकी छाइयाँ 7 से 10 दिन में बहुत ही लाइट हो जाएंगी और 1 मंथ में तो बिल्कुल खत्म होने वाली है। तो अभी हम चलते हैं टिप की। तो अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने लेना है ये मूली को, हमने ग्राइंड कर लिया था, इसमें आपने मूली लेनी है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना। तो ये मैंने पेस्ट पहले ब्लेंड कर लिया था। दूसरा जो हमारा है वो है कॉर्नफ्लावर, और तीसरा है ये हमारा ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क आप कोई भी ले सकते हैं, जो एवरीडे का होता है वो वाला आपने लेना है। तो उसके अलावा आपने लेनी है ग्लिसरीन, ये मैं आपको डे क्रीम बता रही हूँ, नाइट क्रीम इसके बाद बताऊंगी। और उसके अलावा आपने जिस तरह मैं बता रही हूँ उस तरह लाजमी करना है, फिर आप कहेंगे कि हमें अपने इस तरह क्रीम बताइए और हमारे चेहरे पर रिजल्ट नहीं आया। तो अच्छा जी, सबसे पहले ये जो आपका मूली का पेस्ट है वो हम लेंगे आधा कप, आधे कप के अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ड्राई मिल्क। ये मूली का पेस्ट हमारा है तो हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल रहे हैं, और उसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हमारी स्किन पे, जितनी हमारी ड्राई स्किन होती है और उसके अलावा हमारी स्किन पे जो रैशेज होते हैं उसे बिल्कुल ख़त्म करेगा। ये हमने 2 टेबल स्पून लिया है, और उसके अलावा अब मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपने बिल्कुल थोड़ी सी, बस इतनी सी लेनी है, 1 चम्मच जितनी, और अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। अब आप देखेंगे मैं किस तरह मिक्स कर रही हूँ, और मूली की स्मेल थोड़ी सी हार्श होती है, जैसे पर ये क्रीम बनेगी तो ये बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इसे हम अब मिक्स कर लेंगे, और ये मैं पहले यूज़ करती हूँ उसके बाद ही आपको ये चीज़ें बताती हूँ। ये देखिए, मेरी आंटी के चेहरे पे काफ़ी छाइयाँ थी तो उनके स्किन पे अब छाइयाँ बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद हम लेंगे एक पैन। तो अच्छा जी, ये मैंने पैन में पेस्ट डाल दिया है। तो अच्छा जी, ये देखें, ये पैन में मैंने पेस्ट डाला है, और आप देखें आँच बिल्कुल हल्की है, और आपने इसे हल्का सा इस तरह से पकाना है, क्योंकि ये हमारी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी क्रीम बनके तैयार हो जाएगी और आपको स्मेल तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। बस ये है, थोड़ी सी मेहनत होगी पर आपकी स्किन पे छाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। हम जो बहुत ज़्यादा क्रीम्स लगाते हैं ना तो उसके साथ तो हमारी छाइयाँ हो जाती हैं, पर आपने परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली हैं आपकी छाइयाँ। पर ये है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये देखिए, थोड़ा सा इसे हमने हल्की आँच पर इसी तरह चम्मच को हिलाते रहना, ताकि ये जो हमारा लाइट सा इसके अंदर पानी है ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए और हमारी क्रीम की कंसिस्टेंसी काफ़ी स्मूथ और अच्छी बन जाए। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि हमारी क्रीम बिल्कुल बन के तैयार है, और अब हम इसे बंद कर देंगे। तो अच्छा जी, ये देखें, ये हमारी क्रीम इस तरह तैयार हो चुकी है, ठंडी आपने कर लेनी है। ठंडी होने के बाद ये हमने जो विटामिन ई का कैप्सूल है ना, ये आपकी स्किन को बहुत हेल्दी करता है, उसके अलावा जो आपकी स्किन बर्न हो जाती है उससे सही करता है, और आपके जो स्कार्स होते हैं उसे दूर करता है, और उसके अलावा ये हमारी जो एंटी एजिंग स्किन है, और ये इतना पावरफुल होता है ना, ये आपकी स्किन से फाइट करता है और आपकी डैमेज जो डेड स्किन है उसे सारी रिमूव कर देगा।
तो आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। आपने मिक्स करने के बाद इसे प्यारे से कंटेनर में डाल देना है। तो अच्छा जी, ये देखिए मेरी क्रीम मैंने कंटेनर में डाल दी है और मैं आपको इसे लगाने का तरीका बताऊंगी, जहाँ जहाँ आपकी छाइयाँ हैं और इसके अलावा जहाँ आपके पैचेस बने पड़े हैं आपने उधर बिल्कुल इस तरह से लगा देना है और इसे छोड़ देना है। आप ये डे में लगा सकते हैं। अभी मैं आपको नाइट जो क्रीम बताने लगी हूँ वो भी बहुत अच्छी है। और आपने जब भी धूप में जाना है या आप कोई काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करना है। और ये इसका जो इफेक्ट है ना, वो थोड़ा सा आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा, तो उसके साथ जो आपकी छाइयाँ उसे सुकून मिल जाएगा। अब ये देखें, इसका टेक्सचर मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह है। तो अच्छा जी, आपको ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। तो अभी हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो अच्छा जी, जो हमारा सेकंड स्टेप है उसके लिए हमें चाहिए ये वाली क्रीम, क्रीमो स्किन, और ये 15 mg की है। ये मेडिकेटेड है, ये आपके एंटी डार्क स्पॉट, एंटी फ्रेकल्स, एंटी मेलास्मा और एंटी एजिंग के लिए काफ़ी अच्छी क्रीम है। और ये काफ़ी लाइट वेट है, उसके अलावा भी छाइयों के लिए क्रीमें होती हैं, ये उनमें से काफ़ी अच्छी और बहुत लाइट वेट है। अच्छा जी, जो कि जिनकी स्किन तो बर्दाश्त करती है हैवी क्रीम्स, उन्होंने अपनी छाइयों पे इसे अप्लाई कर देने, और जिसकी स्किन सेंसिटिव है उन्होंने ये तिब्बत क्रीम है, ये मैं आपको बनाने का तरीका भी बताती हूँ, आप इसे खाली भी अप्लाई कर सकते हैं और तिब्बत के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बनाने का तरीका बताऊंगी जिनकी स्किन सेंसिटिव है। तो आइए चलते हैं। तो अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें ये क्रीम चाहिए, इसे हमने ले लेना है 1 स्पून। ये देखें, ये 1 स्पून हो गया है। ये देखें, ये यूज़ की हुई है, मैं यूज़ करके ये आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपने इतनी सी तिब्बत क्रीम को लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, ये हमारी मिक्स हो गई है और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो जनाब, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि किस तरह है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये आपने अपनी छाइयों पे इस तरह से अप्लाई करनी है और आप देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी इतनी सॉफ्ट और इतनी स्मूथ है, ये आप देख सकते हैं। और आपने इसे छाइयों पे अप्लाई करना है और आपने सो जाना है। और ये जैसे कि मॉइस्चराइजर नहीं होता, उसी तरह ही है। अच्छा जी, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा और आपको ये मेरी टिप अच्छी लगी हो तो आपने इसे ज़रूर लगाना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो अच्छा जी, मेरे चैनल को आपने सबसे पहले तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें मेरी वीडियो को। तो अभी के लिए हम यहीं पर वीडियो को एंड करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।